सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुनीता एसएस ऑफिशियल चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी स्वस्थ हूँ। और आज ना अभी लगभग जो है शाम का टाइम है, और इस टाइम पे ना आज मैं ना सुबह का काम शाम को ही निपटाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए चलती हूँ लिपाई करने के लिए, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। सुबह थोड़े से जल्दी जल्दी काम निपटाना है मुझे, इसलिए आज जो है शाम से ही मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो मेरी किचन की जो है ना बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। यहाँ पर खाना सब्जी पकता है, और बहुत जल्दी जल्दी हड़वा भी देते हैं फ्रेंड्स, पानी सब गिर जाता है तो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर मैं लिपाई करूंगी अभी। और हमारे चूल्हे भी मतलब रोज सुबह सुबह कोताई होती है, तो मैं अभी ही कर डालूंगी इसकी कोताई। तो बस यहाँ पर का थोड़ा सा निकली हूँ फ्रेंड्स, ऊपर में पूरा जो है काला हो रहा है होने के लिए, लेकिन नहीं कर रही हूँ अभी। जैसे ही की थी मैं यहाँ का कोताई ऊपर का, तो सुबह का काम मैं शाम को ही इतना डाल रही हूँ आज। आग है इसमें, दिख रहे हैं अभी भी धुआं निकल रहा है। और अभी ना शाम के 4 बज रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसको पोताई करने के बाद जो है शाम की आग जलाऊंगी इसमें, और सुबह में नहीं पोताई करूंगी। इसलिए आज मैं शाम में ही कर दे रही हूँ, क्योंकि सुबह टाइम पे कहीं जाना है तो थोड़ी सी जल्दी जो है काम निपटाना पड़ेगा, इसीलिए अभी ही मतलब कर दे रही हूँ इसकी पोताई। तो देखिए मेरी चूल्हे की पोताई हो चुकी है फ्रेंड्स। अब मैं ना यहाँ पिंडे की पोताई करने वाली हूँ। यहाँ पर ना हमेशा कुछ कुछ गिरते रहता है फ्रेंड्स, तो सबसे अधिक तो ये भी पस का गंदा होता है। देखिए पिंडा की लिपाई हो चुकी है। अब यहाँ की मेरी लिपाई हो चुकी है, और ना मैं नीचे का लिपाई कर रही थी यहाँ जस्ट, तो फिर स्टोरेज जो है वो फुल हो गया था, तो फिर से उसको अभी मैं खाली की हूँ, तब जाके फिर बना रही फ्रेंड्स। तो पिंडे की लिपाई कर रही थी ना उसी टाइम पे, मतलब स्टोरेज फुल हो गया था, लेकिन साइलेंट मोड में नहीं था मोबाइल, तो जो बजा मैसेज तो उसी को मैं देखने गई थी। क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा स्टोरेज फुल हो जाता है और पूरी वीडियो जो है नहीं बन पाती है, इसीलिए मैं एक बार चेक करने के लिए गई, तो देख रही हूँ कि बंद हो गया फोन। तो फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो फिर से अभी पोताई कर रही हूँ। बहुत बार मेरे साथ ऐसे होता है, बनाते बनाते स्टोरेज जो है फुल हो जाती है, कभी ध्यान नहीं दे पाती हूँ ना काम की वजह से। तो फिर अभी चूल्हे के पास की पिताई को रही है मेरी। तो आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक, और आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज सारा दिन में क्या काम करती हूँ, सारा दिखाऊंगी। करने के लिए, लेकिन इतना ही जो है ना सुबह में थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता, क्योंकि जाना होता है तो थोड़ी सी हड़बड़ी हो जाती है, इसीलिए मैं शाम को ही मिट्टा डाल रही हूँ सुबह का काम। काला मिट्टी और गोबर दोनों मिक्स है इसमें, बहुत काला दिख रहा होगा। बस वही स्पर्श का ज्यादा जो गंदा हो जाता है चूल्हा के पास का, क्योंकि ठंडी लगती है तो सुबह भी वही बैठ रहा उठी सामने, तो वही स्पर्श का ज्यादा गंदा होता है, बाकी तो इधर का ठीक ही है।
लिपाई करके जो है कंप्लीट कर ली मेरा किचन का, बस इतना ही तक से, बाकी इधर का नहीं करूंगी मैं अभी। तो देखिए मेरा किचन कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं वहां से लेकर के पूरा यहाँ तक किचन की लिपाई की ना, उसके बाद में जो है मैं आग भी जला चुकी हूँ शाम का, और यहाँ पर आ गई हूँ मैं सुबह के लिए कोयला कूचने के लिए, क्योंकि सुबह में आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है फ्रेंड्स, क्योंकि शाम टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो आप लोग देख भी सकते हैं कितना ज़्यादा जो है हवा चल रहा है। तो दिन भर से मतलब शाम टाइम एक टाइम होता है ना 1-2 बजे, उसी टाइम से हवा जो है ना चलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी की वजह से सुबह बहुत अधिक ठंडी लगती है। तो मैं इसको अभी ही मतलब कोयला को कूच करके रखे रहूँगी सुबह के लिए, और अभी तो मैं जला चुकी हूँ, जो धुआं उड़ रहा है वो इधर दिख भी रहा होगा, घर साइड पे निकल रहा है धुआं, मैं जला दी हूँ लिपाई करने के बाद, तो वही वाला धुआं इधर से निकल रहा है मेरे पीछे साइड, देख सकते हैं आप लोग घर से। तो इसको सुबह के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पर ना मैं लकड़ी लेकर के आई थी, तो इस लकड़ी को ना बांधी हुई थी रस्सी है ये था, और हमारी छोटी जो है स्वेटर पहन के चैन सबको लगाने के लिए नहीं आता उसको, तो उसी के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी, तो उसको लगा दी। उसके बाद भी ना मैं यहाँ पर जो रस्सी था लकड़ी में उसी को छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसमें से लकड़ी मेरे को निकलाना है आग जलाने के लिए। बहुत अधिक ठंड लगती है फ्रेंड्स सुबह में, ना लकड़ी भी तोड़ने का मन नहीं करता है, ना कोयला भी मतलब छूने का मन नहीं करता, क्योंकि ना ठंडा इसी वजह से हो लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना हवा चलती है इसीलिए, नहीं तो नहीं लगता उतना ठंडा, तो यही जो है ठंडी कर देती है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए ना लकड़ी भी तोड़ ली हूँ अपना रस्सी को खोल करके, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है इसलिए हमारी छोटी जो है वो जूता भी पहन ली है। उसके बाद में ना यहाँ पर से ये देखिए हमारा बड़ी जो है ना वो सूख चुका है, तो हम लोग इसी को उठाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि इसमें भी शीत पानी गिर जाता है तो ठीक नहीं लगता है, अब सूख चुका है हल्का हल्का, बाकी है सूखने के लिए, तो उसी को उठाने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं छोटी के साथ में, जो आप लोगों को दिखाई थी मैं 1 सप्ताह जैसे हो गया शायद दिखाया हुआ वीडियो पर, तो दिखाई थी इसको जब बनाए थे बड़ी को, तो लौकी का बड़ी, तो उसी को उठा करके घर पे रख दे रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रहे हैं और आजकल शीत पानी भी बहुत ज़्यादा गिरता है। तो फ्रेंड्स अभी है ना सुबह का टाइम दूसरे दिन का, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स सुबह हो गई है और ना धूप भी हो चुका है, और मेरा जो है ना सुबह का आज का खाना पीना हो चुका है, और घर का जो है ना सारा काम हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप सभी को आज सुबह की राम राम, सभी भाई बहन माताओं पिताओं को। तो यहाँ देखिए पिंडे की जो है ना लिपाई कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो पिंडा जो है ना बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो ये पीछे साइड का पिंडा है और इसी की लिपाई हो रही है, तो इसको ना मैं सफ़ेद काला सफ़ेद से लिपाई करने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा और दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ का लिपाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। और हमारी छोटी जो है ना वो बगल में खेल रही है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो है ना मैं कैमरा पकड़वाई हुई हूँ, रख करके नहीं बना रही हूँ, कुछ इस तरीके से ड्रेसिंग यहाँ पर बना रही हूँ फ्रेंड्स पिंडे को। गांव देहात के लोग इसको भिटका भी बोलते हैं और बहुत से लोग पिंडा भी बोलते हैं इसको, तो उसी की लिपाई हो रही है यहाँ पर। और कल वाली ब्लॉग में फ्रेंड्स बहुत से लोग मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे, और कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो कि नेगेटिव सब कमेंट्स करते हैं, किसी ने तो मुझे पागल भी बोल दिए हैं, पता नहीं उनके नज़र पे मैं कहाँ पे पागल लगती हूँ ये तो मुझे नहीं पता है, बट जो गलती होता है उसे तो बोलती हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ। लेकिन एक फ्रेंड्स हैं जो कि क्या अमित गुप्ता नाम है या फिर कुछ इस तरीके से, वो मतलब मेरे को बोल रहे हैं आप बिल्कुल पागल हो। यार मैं कैसे पागल हूँ आप लोग खुद बताइए, मैं क्या कर रही हूँ क्या गलती कर रही हूँ बताइए आप लोग, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से मत बोला कीजिए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, या फिर कोई पढ़ेगा भी कॉमेंट्स तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम बिल्कुल पागल हो, कैसे पागल हूँ बताइए,
क्या कर दिया मैंने, क्या नहीं आया मुझे। अगर नहीं आया, गलती भी हो गया है तो माफ़ कर दीजिए और बताइए कि कहाँ पस की हूँ। बताइए उसको कमेंट्स में कि आप यहाँ पस ऐसे किए हो, ये गलती किए हो। लेकिन वैसे तो मत बोलिए प्लीज़, अच्छा नहीं लगता है। खास करके आप लोग सिर्फ नहीं देखते हो वीडियो, फैमिली वाले भी देखा करते हैं, जो गांव के हैं ना लोग, रिश्तेदार चाहे अड़ोस पड़ोस, वो लोग भी देखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा मत किया कीजिए। अगर नहीं आता है तो बोलती हूँ ना आप लोगों को कि बताइएगा, नहीं जानती हूँ उस जगह पर, क्योंकि मैं भी इतनी बड़ी नहीं हूँ कि इतनी मतलब सीख पढ़ के नहीं आई हूँ, या फिर कोई भी अपने मम्मी के पेट से सीख करके जन्म नहीं लेता है इंसान ना, ये इसी दुनिया में आ करके सीखते हैं। तो प्लीज़ आप बताइए कि मैंने क्या गलती किया है या फिर क्या कर दिया। आप इस तरीके से मत बोला कीजिए मुझे, क्योंकि ना गाँव वाले भी बहुत से लोग देखते हैं मेरा वीडियो को, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि तुम बिल्कुल पागल हो, मेरे को पागल बोल दिए। मुझे सच में बता रही हूँ, अच्छा नहीं लगा। प्लीज़ फ्रेंड ऐसा मत कीजिएगा। आप लोग जो बोलते हो तो करने की कोशिश करती हूँ, वैसा दिखाने की भी कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, तो फिर इस तरीके से काहे कमेंट्स कर देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उससे अच्छा कि मुझे बताइए मैं क्या कहाँ गलती कर रही हूँ, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी ना। लेकिन इस टाइप से मत बोलिएगा प्लीज़। तो देखिए यहाँ मेरी पिंडा की जो है पुताई हो रही है सुबह सुबह आज, लेकिन खाना सब्जी वगैरह पक चुका है, उसके बाद ही पिंडे की लिपाई हो रही है। और ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं भगी है अभी, इसलिए स्वेटर जो है ना वो पहन रखी हूँ मैं। सूर्य निकला है निकलने के लिए, लेकिन आजकल ना सुबह से ही मतलब क्या बोलते हैं, हवा जो है ना वो चल रहा है, उसी की वजह से ठंडी लग रही है, हवा की वजह से। अगर हवा नहीं करता ना तो नहीं लगता ठंडी उतना ज़्यादा, उसी की वजह से जो है ना ठंडी लगती है। और आप सब से भी निवेदन है कि जो भी गलती होता है, नहीं आता है, उसको बताइएगा, लेकिन उस तरह से मत बोला कीजिएगा कि तुम पागल हो, मेंटल हो, अच्छा नहीं लगता है। और एक फ्रेंड्स बोल रहे थे कि बरंदा बरंदा का ही मतलब लिपाई दिखाती हो और ख़त्म हो जाता है। क्या करूं फ्रेंड्स, मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, जो है मेरे घर पे उसी को मैं दिखाती हूं आप लोगों को। बस एक अंदर का घर है, एक बाहर का, और बस बरंदा, बस उतना ही है, मेरा घर बड़ा नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों को भी। बट कोशिश तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन एक ही जगह का कभी कभी हो जाता है लगातार, क्योंकि मुझे भी गैप करने का मन नहीं करता है फ्रेंड्स, तो दिखा देती हूँ मैं भी लगातार एक ही जगह का। तो उसके लिए तो मैं नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा घर ही छोटा है, तो बार बार एक ही जगह का दिखा देती हूँ तो आप लोग बोल देते हो। तो मेरा पिंडा का लिपाई देखिए कंप्लीट हो चुका है, देख रहे हैं कैसे लग रहा है, देखिए तीन कलर, मतलब दो ही कलर है, उसी को इस टाइप से बनाए हुए हैं देखिए। उसके बाद में ना मैं यहाँ पास आ गई थी मिट्टी मचाई करने के लिए, क्योंकि मुझे छाबना है अंदर वाला घर को, पूरे घर की छबाई करनी है अंदर का, जहाँ पे चूहा मारे हुए थे उसी वाला घर को, पूरा घर को मतलब छबाई करना है। उसके बाद में दीवार सबको भी पोताई करना है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर मिट्टी जो है ना वो फुला करके रखी थी, कल ही रखी थी यहाँ पर का फुला करके, तो अच्छे से फूल चुका है। बस इसको जो है ना अभी मचाई करना बाकी रह गया है, तो इसमें जो गोबर मैं रखी हुई थी पहले ही ला करके, पहले से था इसमें दो तीन दिन पहले ही, तो इसी बाल्टी में कर दी थी पानी में रख करके, तो उसी को इसमें डाल करके अभी मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। और कभी कभी लिपाई की थी ना तो क्या बोलते हैं, काला मिट्टी भी थोड़ा बहुत था इसमें, तो दोनों मिक्स हो गया था, तो वही वाला को इसमें डाल करके अभी मचाई कर रही हूँ। उसके बाद में ना छबाई करूँगी मैं अंदर का, क्योंकि चूहा मारे हुए थे ना उस दिन, कोड़े थे तो धूल सब उड़े हुए थे, तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए पूरे घर की जो है मैं साफ़ सफाई करूँगी एक बार, उसके बाद ऊपर का लिपाई करूँगी।
तो उसी के लिए यहाँ पर मिट्टी मचाई कर रही हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा कूचना पड़ता है, थकवा देता है इसको तो मचाई करते करते ना, मन नहीं लगता है सुबह सुबह। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बासी पानी हो गया था ना, ये क्या बोलते हैं गोबर जो बाल्टी में फुलाया हुआ था पहले से वाला, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहे हैं पैर में मेरा। तो मेरा मचाई ना हो चुका था, उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से मैं समेट दे रही हूँ ताकि सूखेगा नहीं, क्योंकि अभी तो तुरंत छबाई भी नहीं होगा, नहाने जाऊँगी पहले उसके बाद ही छबाई करूँगी, तो उतने तक सूख ना जाए इसलिए इसको अच्छे से समेट दे रही हूँ मैं। मतलब धूप जो है ना वो निकल चुका है ना, इसलिए थोड़ी सी आप लोगों को नहीं भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इधर टटरा उटरा सब है तो मतलब छेका कर दे रहा है। तो देखिए मिट्टी को भी मैं समेट चुकी हूँ, उसके बाद भी अभी मैं चली जाऊँगी फ्रेंड्स नहाने के लिए, क्योंकि कपड़े भी धोने हैं मुझे स्वेटर वगैरह। तो देखिए यहाँ पर मैं नहा करके आ गई हूँ और सभी लोगों का स्वेटर वगैरह मैं धोई हूँ हम तीनों लोगों का, तो थोड़ा सा जल्दी इसीलिए नहाए क्योंकि धोना था और सूखने में भी तो टाइम लग जाता है फ्रेंड्स इसीलिए। तो आप सभी को आज की मेरी ब्लॉग कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी वीडियो फ्रेंड्स आज की ना यहीं से अंत होती है, तो मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो पे और अच्छा से अच्छा वीडियो लाने की कोशिश आप लोगों के लिए करूंगी फ्रेंड्स। और आज की जो वीडियो है वो लॉन्ग हो चुकी है, तो जो मिट्टी मचाई की हूँ अगले ब्लॉग में आ सकता है फ्रेंड्स अगर लाइट रहेगा तो, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट जो है बहुत कट रहा है।